अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक नया दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यानी कि जूलॉजी का जो चैप्टर है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। जो म्यूटेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोथ फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज फार एज नीट इज़ कंसर्न्ड। जो म्यूटेशन है इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पे भी और इसमें पूछे जा सकते हैं नीट में भी। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं। बेटा जो म्यूटेशन है, हमने इससे पहले पढ़ा है 11th क्लास में कि जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है डीएनए या क्रोमोजोम, अगर एक क्रोमोजोम के साइज में, अगर एक क्रोमोजोम के शेप में या अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ जाएगी, या सिंपली हम ये कहेंगे कि अगर डीएनए के साइज शेप स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी और वो चेंज सडन होगी और वो चेंज पास ऑन होगी फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग्स, हम उसे कहते हैं म्यूटेशन। सो म्यूटेशन है क्या एक्चुअली? ये एक सडन चेंज है जो अचानक से एकदम से होती है। किसकी वजह से? क्योंकि डीएनए के साइज में चेंज हुई, क्योंकि डीएनए के शेप में चेंज हुई, जो क्रोमोसोम के साइज में शेप हुई चेंज हुई या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हुई। तो जब एक क्रोमोसोम का साइज चेंज होगा, जब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जब एक क्रोमोसोम की शेप या मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, जब एक क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं या जो डीएनए होता है उसमें चेंज आ जाएगी और ये चेंज पास ऑन होगी पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक एंड सो ऑन एंड सो ऑन, हम इससे कहते हैं म्यूटेशन। So, मेरे बच्चों, जो म्यूटेशन है ये सडन है, अचानक है और इनहेरिटेबल है, यानी कि ये पास ऑन होनी चाहिए। तो पास ऑन होने के लिए जो ये चेंज है, जो ये म्यूटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ किन में आनी चाहिए? गैमेटिक सेल्स में, ये जर्म प्लाज्म में आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चेंज सोमैटिक सेल्स में आ गई, अगर ये चेंज आ गई सोमैटिक सेल्स के क्रोमोसोम में, अगर ये चेंज आ गई सोमैटिक सेल्स के जीन्स या डीएनए में, तन बेटा ये चेंज पास ऑन नहीं हो जाएगी। ये चेंज वही तक रहेगी, सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी उसी इंसान तक या उसी ऑर्गेनिज्म तक। लेकिन यहां पे म्यूटेशन का मकसद है, यहां पे म्यूटेशन की जो डेफिनेशन है कि ये चेंज हेरिटेबल होनी चाहिए, ये चेंज इनहेरिटेबल होनी चाहिए, यानी कि ये जो चेंज है डीएनए में, ये जो चेंज है क्रोमोसोम में, ये चेंज जो है जीन्स में, ये पास ऑन होनी चाहिए पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक। तो जब ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स पास ऑन होगी और ये चेंज सडनली होगी और ये चेंज आती है जेनेटिक मटीरियल में, हम इसे नाम देते हैं म्यूटेशन। जब ये चेंज आती है, बेटा ध्यान से सुनिए, जब क्रोमोसोम का साइज चेंज होगा, जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जब क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा या जीन का साइज चेंज होगा या जीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो इससे क्या होगा? जो जीनोटाइप है एक ऑर्गेनिज्म का या जो जीनोटाइप है एक सेल का, वो चेंज होगा। जब जीनोटाइप चेंज होगा, डेफिनेटली फिनोटाइप भी चेंज होगा, क्योंकि फिनोटाइप जो है दैट्स रिलेटिव विद द जीनोटाइप। इंसान का जो जीनोमिक मेकअप है या एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोमिक मेकअप है उस पर फिनोटाइप डिपेंडेंट है, यानी कि जब एक जीनोटाइप चेंज हुआ तो डेफिनेटली फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। सो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स का, एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो चेंज होगा और साथ ही में उसका फिनोटाइप भी चेंज होगा। और ये चेंज, जैसे मैंने पहले ही कहा कि म्यूटेशन जो है ये पास ऑन होनी चाहिए पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक। जैसे हमने पढ़ा है इससे पहले यूनिट फर्स्ट में, जो ह्यूमन मेल होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म और जो ह्यूमन फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है ओवा। जब ये स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट जो डेवलप होता है एक ऑर्गेनिज्म में। तो दैट मींस अगर चेंज आ गई क्रोमोसोम के, स्पर्म के क्रोमोसोम में, अगर चेंज आ गई साइज ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द स्पर्म्स, अगर चेंज आ गई शेप मॉर्फोलॉजी या नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन स्पर्म्स, तो ये पास ऑन हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में भी। इसी तरह अगर फीमेल के ओवा में क्रोमोसोम में चेंज आ गई साइज या शेप या स्ट्रक्चर में, तो ये चेंज पास ऑन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो चेंज है, ये जो म्यूटेशन है, ये इनहेरिटेबल होना चाहिए। और इनहेरिटेबल के लिए क्या है? ये चेंज डेफिनेटली कहां आनी चाहिए? जर्म प्लाज्म में, गैमेटिक सेल्स में। क्योंकि अगर ये चेंज सोमैटिक सेल्स में आ गई तो ये पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही है सोमैटिक सेल्स पास ऑन नहीं होते हैं। सोमैटिक सेल्स डज नॉट
गैमीट्स, जो गैमीट्स है वो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर जर्म सेल्स के अंदर चेंज आ गई, अगर जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन हुई, अगर जर्म सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उसमें चेंज आ गई, तो ये चेंज पास ऑन होगी। इसलिए हम कहते हैं वो सडन अचानक वाली चेंज जो डीएनए या क्रोमोसोम में आती है, लेकिन किन के सेल्स में, जर्म प्लाज्म के सेल्स में, गैमेटिक के सेल्स में, और वह पास ऑन होती है पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग एंड सो ऑन एंड सो ऑन, हम उसको कहते हैं म्यूटेशन। मेरे बच्चों, ये जो म्यूटेशन है कहा जाता है इज अ सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। प्लीज एंड प्लीज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, क्योंकि हमें इसके बाद एवोल्यूशन में पढ़ना है। डार्विन ने कहा है कि जो वेरिएशन होती है, जो चेंज होती है, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, और बहुत टाइम से हो रही है, और इसकी वजह से एवोल्यूशन होती है, इसकी वजह से स्पीसिएशन होती है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। लेकिन जो हिगो डिवरीज है, हिगो डिवरीज जिसने कहा कि नहीं, जो उसने रिसर्च किया था इवनिंग प्राइमरोज पे, यानी कि उसने एक बॉटनिकल प्लांट इवनिंग प्राइमोज पे काम किया था, रिसर्च की थी, तो उसने कहा कि जो इवनिंग प्राइमोज है उसमें जब डीएनए में चेंज आ गई, उसमें जब क्रोमोसोम में चेंज आ गई, उसकी वजह से रात को चेंज आ गई और सुबह एक नया ही स्पीशीज डेवलप हुआ था। तो उसने कहा कि जो ये एवोल्यूशन है, जो ये म्यूटेशन है, ये अचानक होती है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। सो यहां पे जो म्यूटेशन की टर्म है वो दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसका नाम है ह्यूगो डिवरीज, जो होलैंड से है। अगर आपको याद होगा जब हम पढ़ते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स में रीडिस्कवर, यानी कि जिन तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, उसमें एक था ह्यूगो डिवरीज। ह्यूगो डिवरीज जो होलैंड से ताल्लुक रखता है, जिसने रिसर्च की थी इवनिंग प्राइमोज, जिसका बोटानिकल नेम है आइनोथेरा लेमार्कियाना, उसने उसी पे काम किया था और उसने टर्म दी थी पहली बार म्यूटेशन की। जो ह्यूगो डिवरीज है उसने एक और थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या जिसे हम एक और नाम देते हैं साल्टेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि उसने एक्सप्लेन किया कि जो एवोल्यूशन है वो एक्चुअली होती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन की वजह से। तो डार्विन ने कहा था जब क्रोमोसोम्स में या जब जेनेटिक मटीरियल में स्लोली स्लोली चेंज आ जाती है, स्लोली स्लोली वेरिएशन आ जाती है, उसी की वजह से एवोल्यूशन होती है। लेकिन यहां पर ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि एवोल्यूशन होती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, और म्यूटेशन क्या है, जब सडनली अचानक हेरिटेबल चेंज होगी किसमें, इन द क्रोमोसोम्स और डीएनए ऑफ द जर्म प्लाज्म सेल्स, तो उसी को हमने नाम दिया था म्यूटेशन। इसी म्यूटेशन को लेके ह्यूगो डिवरीज ने रिसर्च की थी और एक थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या एक और नाम से कहते हैं साल्टेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने टर्म यूज की थी स्पोर्ट्स म्यूटेशन के लिए, जिसे आज हम कहते हैं म्यूटेशन, डार्विन ने उस वक्त उसको कहा था स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स वो नहीं है जिनकी हम बात करें गेम की, ये एक्चुअली स्पोर्ट्स है म्यूटेशन का, यानी कि आज हम कहते हैं म्यूटेशन, डार्विन ने कहा था स्पोर्ट्स। बेटा आपको पता ही होगा जब हमने मियोसिस 11th क्लास के मियोस में पढ़ा है, हमने एक फेज पढ़ा होगा वहां पे मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। हमने देखा होगा कि पैचिटीन में किस तरह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है। सो अपार्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन भी डीएनए में वेरिएशन लाता है। यानी कि अगर हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर, जब एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, तो म्यूटेशन से भी डीएनए में वेरिएशन आती है। सो अगर हम पहले कहेंगे कि वेरिएशन जो जेनेटिक मटेरियल में है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर से आता है, नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन आ सकती है जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है मियोसिस के दौरान, जो होता है पैचिटीन फेज में, मियोसिस फर्स्ट के पैचिटीन में, और वो जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी वजह से वेरिएशन आती है डीएनए में। तो यहां पे जो म्यूटेशन होता है जेनेटिक मटेरियल में, उसकी वजह से भी जीनोम में, उसकी वजह से भी डीएनए में वेरिएशन आ जाती है।
तो बेटा आज हम देखेंगे अब यहां पर जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है, म्यूटेशन के कितने टाइप्स हैं। बेटा मैंने पहले ही कहा डेफिनेशन में, जब चेंज आएगा साइज शेप में, स्ट्रक्चर नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जीन, उसी को हमने नाम दिया है म्यूटेशन। यानी कि म्यूटेशन है वेरिएशन इन द जेनेटिक मटीरियल दैट मे बी क्रोमोसोम और डीएनए। तो यहां पर हम जब हम कहते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो यहां टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दो तरह के हैं, एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा है जीन और पॉइंट म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जब चेंज हो जाएगी स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, जब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा यानी क्रोमोसोम का साइज चेंज होगा, या एक क्रोमोसोम की शेप चेंज होगी, या एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, हम उसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और जब चेंज हो जाएगी किसमें, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन, यानी कि जीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसे हम कहते हैं जीन या पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये दो तरह का है। पहला एक है क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज आती है स्ट्रक्चर में, यानी कि जब एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी में चेंज होगी, हम उसे कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो ये कॉमन कॉज है कैंसर का। जो कैंसर होता है, कैंसर सेल में जो रीजन देखा गया कैंसर का, उसका मेन कॉज देखा गया क्रोमोसोमल एब्रेशन। दूसरा है जीनोमैटिक म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज अ जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन मींस जब एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, तो क्रोमोसोम के नंबर में जब वेरिएशन आ जाएगी, हम उसे कहते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। सो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो म्यूटेशन है उसके दो मेन टाइप्स है। पहला है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें साइज या स्ट्रक्चर या नंबर क्रोमोसोम का चेंज होगा, और दूसरा है जीन या पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें क्रोमोसोम, जिसमें जीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो दो तरह के हैं। पहला है क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा और जिसकी वजह से एक्चुअली कैंसर होता है, और दूसरा है जीनोमैटिक म्यूटेशन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट, पहले हम बेटा पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी कि हम पहले पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर और ए नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा या जब एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, वी कॉल इट एज अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के दो टाइप्स है। पहला है क्रोमोसोमल एब्रेशन, जो इस वक्त हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो सिंपल में याद रखिए, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा। जब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर में यानी कि होल लेंथ ऑफ ए क्रोमोसोम, चाहे क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट डिलीट होगा यानी कि लॉस होगा, या कोई किसी, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस हुआ और वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पर ऐड हुआ, जैसे किसी क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस हुआ तो डिलीशन हो गई, किसी चीज पर एक सेगमेंट ऐड हुआ तो उसमें डुप्लीकेशन या एडिशन हुई। सो वही हमने कहा कि जब एक क्रोमोसोम की ओवरऑल लेंथ चेंज हो गई या ओवरऑल शेप चेंज हो गई या ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हम उसे नाम देते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। सो क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर एक्चुअली चेंज इन द साइज शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम। सो ये जो क्रोमोसोमल चेंज है स्ट्रक्चर में, तो इसमें एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट, जैसे अगर एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस हुआ, उसकी वजह से जो नंबर है जीन्स के, जो नंबर है या जीन्स का जो सीक्वेंस है, वो भी लॉस होगा, वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में एसेंशियल 10 जीन्स है, तो अगर इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट लॉस हुआ, उस सेगमेंट में सपोज 3 जीन्स थे, तो इससे क्या हुआ, क्रोमोसोम ने लॉस किए अपने एसेंशियल 3 जीन्स। तो वही हमने कहा कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है उसमें हम लॉस करते जीन्स का भी। या कभी कभार क्या होता है, किसी क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट गया और 180 डिग्री पे वहीं पे अटैच हुआ, तो इसे क्या हुआ, ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस जो जीन्स की थी वो चेंज हो गई, जो पहले वाली सीक्वेंस थी अब वो रिवर्स में हो गई, क्योंकि क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो टूट गया वो उसी जगह पे फिर से ऐड हो गया, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, जिससे सीक्वेंस जीन्स की चेंज हो गई। जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है ये चार तरह के, इसमें चार मेन टाइप्स है, जिसका पहला टाइप हम ले रहे हैं डिलीशन एंड डिफिशिएंसी।
सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी कि क्रोमोसोमल एब्रेशन आर फोर टाइप्स, उसका जो पहला टाइप हम लेंगे वो है डिलीशन एंड डिफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज अ डिलीशन डिफिशिएंसी? जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस होगा उसे हम नाम देते हैं डिलीशन एंड डिफिशिएंसी। सो पूछा जाएगा व्हाट इज अ डिलीशन एंड डिफिशिएंसी? सो डिलीशन एंड डिफिशिएंसी इज अ क्रोमोसोमल एब्रेशन, यह क्रोमोसोमल एब्रेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस होगा। जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट जाएगा, जब एक क्रोमोसोम के सेगमेंट ब्रेक हो जाएगा, उसे हम नाम देते हैं डिलीशन एंड डिफिशिएंसी। नाम में ही पहले ही पता चलता है डिलीशन एंड डिफिशिएंसी ये दो है। तो जो हमारे इस डिलीशन एंड डिफिशिएंसी है इसमें दो टाइप्स है, पहला है सिंपल डिलीशन और दूसरा है सिंपल डिफिशिएंसी। सॉरी, जो डिलीशन है इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट ब्रेक होता है। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे मैंने डायग्राम बनाई है, वैसे ये बोर्ड पे ज्यादा बेस्ट होता बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त के कंडीशन में, इस वक्त के लॉकडाउन में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जीन्स है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो जैसे इस क्रोमोसोम में 9 जीन्स है। ध्यान से देखिए बेटा, आप इस क्रोमोसोम को थॉरली स्टडी कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्रोमोसोम में 9 जीन्स है जहां मैंने स्टार्ट किया 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। आप देखिए बीच में 7 और 8 जो ये दो जीन्स है ये लॉस हो रहे हैं। कैसे लॉस हो रहे हैं? यहां पे दो कट लगते हैं। कहां कहां पे? ध्यान से देखिए बेटा, आई विल शो यू। ये देखो बेटा, एक कट लगता है यहां इस पोजीशन पे और दूसरा कट लगता है यहां पे। सो दो जगह पे कट लगता है, एक यहां पे बेटा और दूसरा यहां पे। तो दो कट की वजह से ये वाला जो सेगमेंट है ये लॉस होता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो इसका टर्मिनल पार्ट है वो वहीं पे रहता है। तो क्रोमोसोम का वो पार्ट टूट जाता है जो बीच में है, जिसे हम नाम देते हैं इंटरकैलरी या इंटरस्टीशियल, यानी कि मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि बीच वाला पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। इसके टर्मिनल पार्ट लॉस नहीं होते हैं बल्कि मिडल में, बीच में कोई पार्ट लॉस होता है। जैसे यहां डायग्राम में दिखाया दो एसेंशियल जीन्स 7 और 8 लॉस हो रहे हैं। तो जिससे नया क्रोमोसोम बनता है, बिफोर डिलीशन देखिए, बिफोर डिलीशन क्या था, इस क्रोमोसोम को पूरी तरह देखिए, इसमें जीन्स है 9 लेकिन दो जगह पे कट लगते हैं, एक 6 और 7 के बीच में, दूसरा 8 और 9 के बीच में। जिससे क्या हुआ, जब नया क्रोमोसोम बनता है उसका एक पार्ट बिल्कुल छोटा होता है जिसमें सिर्फ 6 और 9 है, यानी कि 7 और 8 उसमें लॉस है। सो इस वाले क्रोमोसोम में डिलीशन के बाद दो एसेंशियल जीन्स लॉस होते हैं, जीन नंबर 7 और जीन नंबर 8। लेकिन कट जो है वो दो बार लगा है और वो भी बीच में, इसलिए इसके हमने नाम दिया है डिलीशन या इंटरकैलरी या इंटरस्टीशियल डिलीशन। यानी कि इंटरकैलरी या इंटरस्टीशियल डिलीशन क्या होता है, जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस होगा, लेकिन कौन सा सेगमेंट, इंटरकैलरी या इंटरस्टीशियल सेगमेंट। और यहां पे याद रखना जरूरी है कि जो डिलीशन या इंटरकैलरी या इंटरस्टीशियल डिलीशन के लिए जरूरी है कि दो बार कट लगना चाहिए। Now next we'll move towards the deficiency. Deficiency या जिसे हम नाम देते हैं टर्मिनल डिलीशन। इसमें क्या होता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का वो लॉस्ट होता है। यहां देखिए बेटा, एक क्रोमोसोम में मैंने फिर से वही क्रोमोसोम दिखाया, उसमें फिर से 9 जीन्स है टोटल। तो आप देखिए लॉस्ट का जो टर्मिनल पार्ट है 8 और 9 ये लॉस होता है। आप देखिए जो नया क्रोमोसोम बन गया डिलीशन के बाद, इसमें जो क्रोमोसोम है उसके लॉस्ट आखिरी दो क्रोमोसोम, आखिरी दो जीन्स 8 और 9 वो लॉस होते हैं। सो जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट, जब एक क्रोमोसोम का आखिरी पार्ट टूट जाएगा, उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल डिलीशन या उसे हम नाम देते हैं डिफिशिएंसी। तो यहां एक ही कट लगता है और बेटा ध्यान से, वो कट कहां पे लगता है, 7 और 8 के बीच में। जब 7 और 8 के बीच में कट लग गया, इसे ये लास्ट पार्ट लॉस हो गया जिसमें दो जीन्स थे, जीन नंबर 8 एंड जीन नंबर 9। सो इसे हम नाम देते हैं टर्मिनल डिलीशन। So, इससे हमें पता चला कि जो डिलीशन और डिफिशिएंसी है, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस होता है। अगर क्रोमोसोम का सेगमेंट टर्मिनल एंड पे लॉस हुआ, इसे हमने नाम दिया टर्मिनल डिलीशन या डिफिशिएंसी। अगर ये बीच में कहीं पे लॉस हुआ, बीच वाला जीन्स लॉस हो गया, बीच वाला सेगमेंट टूट गया, तो उसे हम कहते हैं डिलीशन या इंटरकैलरी और इंटरस्टीशियल डिलीशन। इंटरकैलरी या इंटरस्टीशियल डिलीशन के लिए दो कट जरूरी है, लेकिन जो टर्मिनल डिलीशन के लिए उसके लिए एक ही कट जरूरी है।
तो जो डिलीशन और डिफिशंसी के एग्जाम्पल है, तो यहां पे दो एग्जाम्पल जो मोस्ट दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनके हमें हम आगे चलकर सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ये यहां पे मैं थोड़ा बोलूंगा कि एग्जाम्स, एक है क्राई डू चैट सिंड्रोम, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा होगा, क्राई डू चैट यानी कि बिल्ली की तरह रोना। तो यह होता है एक ऐसा डिजीज, ऐसा सिंड्रोम जो छोटे बच्चों में जब होता है तो वो छोटे बच्चे रोने लगता है बिल्कुल किचन की तरह, छोटी बिल्ली की तरह, यानी कि जब बिल्ली रोती है तो बिल्ली की तरह उसकी रोने की आवाज होती है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया जर्मन में क्राई डू चैट सिंड्रोम। और यह होता किसकी वजह से, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 5 है उसकी जो शॉर्ट आर्म है, जैसे हमने पढ़ा है पी आर्म, उसी का लॉस होता है, यानी कि पी आर्म का सेगमेंट लॉस होता है या पी आर्म लॉस होती है, उसकी वजह से क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है। और यह होता है बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम 5 है, जब उसकी शॉर्ट आर्म लॉस होती है। दूसरा है वोल्फ हर्श हॉर्न सिंड्रोम, हर्श हॉर्न सिंड्रोम, एच आई आर एस एच, मैं रिपीट कर रहा हूं, डब्ल्यू ओ एल एफ, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, वोल्फ उसके बाद हर्ष, एच आई आर एस एच, हर्ष हॉर्न, एच ओ आर एन, हर्ष हॉर्न। सो वोल्फ हर्ष हॉर्न सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होती है, अगेन शॉर्ट आर्म लॉस होती है, लेकिन किसकी, क्रोमोसोम नंबर 4 की। तो जब क्रोमोसोम नंबर 4 की शॉर्ट आर्म डिलीट हो गई या लॉस हो गई या टूट गई, उसे हम बोलते हैं वोल्फ हर्श हॉर्न सिंड्रोम। सो ये दो एग्जाम्पल, क्राई डू चैट सिंड्रोम और वोल्फ हर्श हॉर्न सिंड्रोम, इन दोनों को याद रखिएगा बेटा, क्योंकि नीट में अक्सर पूछा जाता है डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 विल कॉज विच डिजीज, वो होती है क्राई डू चैट सिंड्रोम, या डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4 विल कॉज विच डिजीज, वोल्फ हर्श हॉर्न सिंड्रोम। तो ये जो दो डिजीज है ये होती है किसकी वजह से, डिलीशन डिफिशंस की वजह से। तो ये हमने पढ़ा है पहला पार्ट, ए पार्ट। नाउ हम शिफ्ट करेंगे बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट जो है वो है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन क्या है एक्चुअली, जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस होगा, जब एक क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूट जाएगा, चाहे वो इंटरकैलर या इंटरस्टीशियल डिलीशन हो या वो टर्मिनल डिलीशन हो, जब वो ब्रोकन पार्ट किसी दूसरी क्रोमोसोम पे ऐड होगा, उसे हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन। सो यहां पे क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ ए क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्वाइस इन अ क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम में कोई हिस्सा दो बार होना या एक क्रोमोसोम में कुछ जीन्स दो बार होना, रिपीट होना। तो अगर हमने कहा कि हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर ए है, इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट गया तो ये वाला पार्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड हो गया, तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। सो डुप्लीकेशन जो है ये दो बार, इसे नाम ही कहता है डुप्लीकेट यानी कि डबल, दो बार। तो एक क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूट गया, दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड हो गया, उसी को हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेशन है ये दो तरह के है, एक है टेंडम या रिपीट डुप्लीकेशन, दूसरा है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम मींस रिपीट। सपोज हमारे पास यहां पे एक क्रोमोसोम है, ध्यान से देखे, क्रोमोसोम के मैंने दिखाए हैं जीन्स, टोटल जीन्स है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए एक क्रोमोसोम है हमारे पास, लेकिन जो इस क्रोमोसोम में अभी डुप्लीकेशन नहीं हुई है, लेकिन जरा डुप्लीकेशन के बाद ये नया क्रोमोसोम कैसे बनेगा। पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जीन्स का नाम है। जरा यहां देखिए, जीन नंबर 6, जीन नंबर 7, लेकिन उसके बाद फिर से जीन 6 और 7। दैट मीन्स कि एक क्रोमोसोम से दो जीन्स यानी कि एक सेगमेंट टूट गया है, जिसमें जीन नंबर 6 और जीन नंबर 7 थे, और वो इस जगह पे ऐड हो गए, यानी कि जब वो ऐड हो गए, इसी को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। सो जब एक क्रोमोसोम ने अपना एक सेगमेंट लॉस किया, जब एक क्रोमोसोम ने अपना एक जीन्स लॉस किए और वो दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड हो गए, ये है डुप्लीकेशन। लेकिन यहां पे देखिए, जब वो ऐड हो गए तो जो सीक्वेंस था, जो ऑर्डर था जीन्स का, वो लॉस नहीं हुआ। जैसे यहां पे जीन पहले था 6, तो फिर से यहां पे 6, यहां उसके बाद 7, फिर यहां से 7, यानी कि जो सीक्वेंस है जीन्स की, जो ऑर्डर है जीन्स का, वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको हमने नाम दिया टेंडम रिपीट डुप्लीकेशन। यानी कि वो तरह की डुप्लीकेशन जिसमें एक सेगमेंट ऐड तो हो गया, लेकिन सेगमेंट ने अपनी ऑर्डर या अपनी सीक्वेंस को खोया नहीं, यानी कि उसकी जो जीन की सीक्वेंस है वो सेम रह गई। दूसरा जो है उसको बोलते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन क्या होता है कि जब एक सेगमेंट ऐड हो जाता है, यानी कि एक सेगमेंट जब एक क्रोमोसोम से लॉस होकर दूसरे क्रोमोसोम पर ऐड होगा, उसका ऑर्डर या उसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो
बेटा यहां देखिए इसमें 10 जीन्स है और इस वाले क्रोमोसोम में देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7 लेकिन यहां पे 2 जीन्स तो ऐड हो गए लेकिन रिवर्स ऑर्डर में यानी कि पहले 7 उसके बाद 6 होना चाहिए था 6 और 7 लेकिन यहां उल्टा आ गया रिवर्स ऑर्डर आ गया 7 और 6 तो इसको हम कहते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन यानी कि एक ऐसी डुप्लीकेशन जिसमें एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस हुआ दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड हो गया लेकिन जब वो ऐड हो गया उसका ऑर्डर या उसका सीक्वेंस जो है जीन्स का वो चेंज हो गया इसको हम कहते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। सो जो ये डुप्लीकेशन है ये दो तरह के हैं। पहले हमने समझा कि व्हाट्स एक्चुअली डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मींस जब एक क्रोमोसोम का हिस्सा टूटेगा और दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड होगा और अगर उसमें जीन्स की सीक्वेंस सेम रह गई यानी कि अगर जीन की सीक्वेंस चेंज नहीं हुई ऑर्डर चेंज नहीं हुआ उसे हम कहते हैं टेंडम रिपीट डुप्लीकेशन। लेकिन अगर ऑर्डर या जीन की सीक्वेंस चेंज हो गई उसे हम कहेंगे रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। इसकी अगर एग्जाम्पल जानी होगी तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो ड्रोसोफिला में होता है बार्ड आई या नैरो आई। वहां पे क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का जो एक्स क्रोमोसोम का जो एक जीन होता है जीन बी वो दो बार ऐड हो जाता है और उसकी जो सीक्वेंस वो चेंज नहीं होती है तो उसी को हम बोलते हैं बार्ड आई या नैरो आई इन ड्रोसोफिला। यानी कि थॉमस एंड मॉर्गन या जेएच मुलर ने ड्रोसोफिला में देखा है कि उसमें एक तंग आंख थी या हम कैसे एक बार्ड आई या वेस्टिजियल आई थी उसे हम कहते हैं बार्ड आई सिंड्रोम या बार्ड आई डिजीज। जो ड्रोसोफिला में होती है वो किसकी वजह से होती है वो होती है एक्चुअली डुप्लीकेशन की वजह से क्योंकि एक जीन की डुप्लीकेशन होती है कहां पे एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन जो एक्चुअली आई का साइज बनाता है और वही जो है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। सो ये था हमारा दूसरा टाइप जिसे हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन। अब उसके बाद हमारा थर्ड टाइप आता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। नाम से ही पता चलता है कि इन्वर्जन मींस जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट जाएगा जब एक क्रोमोसोम के दो हिस्से हो जाएंगे तो एक क्रोमोसोम की जब दो पार्ट्स यानी कि दो कट्स लगेंगे जो इसका ब्रोकन पार्ट होगा वो उसी जगह पे ऐड होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में यानी कि वो उल्टा ऐड होगा 180 डिग्री पे ऐड होगा। बेटा ध्यान से सुनिए हमारे पास एक क्रोमोसोम है उसका एक सेगमेंट ब्रेक हो गया और उसी जगह पे फिर से ऐड हो गया लेकिन ऐड होने के वक्त उसने रोटेट किया 180 डिग्री एंगल यानी कि उल्टा हो गया। सपोज ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है इसका कोई हिस्सा टूट गया या वहां पे फिर से ऐड हो गया लेकिन 180 डिग्री पे यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में ऐड हुआ इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन। सो इन्वर्जन में एक क्रोमोसोम सेगमेंट जब ब्रेक होता है फिर रोटेट होता है एट एंगल ऑफ 180 डिग्री उसकी जगह उसी जगह पे फिर से रीजॉइन करता है सो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है जो सीक्वेंस है जीन्स की वो लॉस होती है यानी कि जो स्ट्रेट लीनियर सीक्वेंस है जीन्स की वो खत्म हो जाती है वो लॉस होती है वो चेंज हो जाती है। जो इन्वर्जन है ये दो तरह का है एक है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और दूसरा है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है जरा ध्यान से देखो बेटा ये क्रोमोसोम देखिए मेरे पास एक क्रोमोसोम है जिसमें 10 जीन्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इसमें 10 जीन्स है। जरा आप ध्यान से देखिए जब ये बिफोर है इन्वर्जन लेकिन जब इस क्रोमोसोम में एक कट लगता है दो जगह पर जरा देखिए नया क्रोमोसोम कैसे बनता है इन्वर्जन के बाद 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद देखिए 6 के बाद क्या आना चाहिए था 7 लेकिन आया क्या 8। तो वहीं पे पता चलता है कि जो सीक्वेंस है जो लीनियर सीक्वेंस है या ऑर्डर जो है जीन्स का वो चेंज हुआ। देखिए यहां पे क्या था 7 लेकिन यहां पे क्या आ गया 8 यहां पे क्या है 8 लेकिन यहां पे क्या आ गया 7 मींस कि जो क्रोमोसोम है एक तो यहां पे कट लगा और दूसरा कट यहां पे लगा सो दो जगह पे कट लगाया सो दो जगह पे कट एक यहां पे और दूसरा यहां पे सो दैट मींस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट ये वाला सेगमेंट जो है ब्रेक हो गया जब यहां पे दो जगह पे कट लगे फिर उसी जगह पे इस सेगमेंट ने रोटेट किया एट 180 डिग्री एंगल उल्टा हो गया जिसे 8 पहले आ गया और 7 उसके बाद आ गया इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। लेकिन ये जो इन्वर्जन हुआ सेंट्रोमियर से दूर यानी कि इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ ये देखिए ये सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ तो जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ इसलिए इसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन यानी कि इन्वर्जन हुआ लेकिन कहां पे सेंट्रोमियर के पास ही लेकिन सेंट्रोमियर के साथ नहीं यानी कि विदाउट
सेंट्रोमिया, सेंट्रोमिया के बगैर या सेंट्रोमी से दूर ये इन्वर्जन हो गया। उसका दूसरा जो है उसको बोलते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है जिसमें 12 जीन्स है, 12 जीन्स। तो आप देखिए कट कहां पे लगता है, यहां पे 6 और 7 के बीच में और 10 और 11 के बीच में। सो 10 और 11 के बीच में एक कट लगता है, दूसरा 6 और 7 के बीच में कट लगता है। लेकिन बीच में देखिए ये सेंट्रोमियर है, दैट मीन सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जब कट लगा ये रोटेट हो गया 180 डिग्री एंगल पे, जिसे नया जो क्रोमोसोम बना। ध्यान से देखिए ये 6 है, 6 के बाद 7 होना चाहिए था लेकिन 10 आ गया, वो ये वाला पार्ट आ गया यहां पे। उसके बाद 9 आ गया, आप देखिए ध्यान से 9 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 7 आ गया। मीन्स जो सीक्वेंस है जीन्स की, जो ऑर्डर है जीन्स की, वो चेंज हो गई, उल्टा हो गया 180 डिग्री एंगल पे, और साथ में सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, यानी कि वो इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा और जो सेगमेंट है वो ब्रेक होगी, रोटेट करेगा 180 डिग्री एंगल पे, उसे बोलते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। ये सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया ड्रोसोफिला में, क्योंकि जे एच मुलर अक्सर एक्सरे रेडिएशन डालता था ड्रोसोफिला में, और जिनके अंदर वहां पर म्यूटेशन हो गई, जो आगे चलकर हम फिर देखेंगे। सो ये था इन्वर्जन। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है ट्रांसलोकेशन। नाम से ही पता चलता है ट्रांसलोकेशन, यानी कि अपनी जगह को अदली बदली करना, चेंज करना अपनी जगह को। सो जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होके एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स, देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम की, तो अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करे अपने ब्रोकन पार्ट्स, यानी कि हमारे पास दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ए वन क्रोमोसोम वन, तो दोनों क्रोमोसोम जो है ये होमोलॉगस है। यानी कि किनको हम कहते हैं होमोलॉग्स, जिन क्रोमोसोम का साइज, जिन क्रोमोसोम की शेप या जिन क्रोमोसोम का लोकस ऑफ जीन सेम होगा। तो अगर इन क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए, यानी कि एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट गया और दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, और दूसरे क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट गया तो पहले वाले क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गया। So, जब एक्सचेंज होंगे ब्रोकन सेगमेंट्स, जब एक्सचेंज होंगे ब्रोकन पार्ट्स बिटवीन द टू होमोलॉग्स क्रोमोसोम, यह है क्रॉसिंग ओवर। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में आप लोगों ने देखा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं तो वो होमोलॉग्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जब होमोलॉग्स क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, टेट्रार्स बनाते हैं, जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जो एक्चुअली होमोलॉग है लेकिन है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब दो क्रोमोसोम एक्सचेंज करेंगे अपने सेगमेंट्स, लेकिन कंडीशन यह है दोनों क्रोमोसोम क्या होने चाहिए, नॉन होमोलॉगस, यानी कि उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है क्रोमोसोम नंबर 21 एंड 14, क्रोमोसोम नंबर 21 एंड 14 दे आर टोटली नॉन होमोलॉगस, ये नॉन होमोलॉगस है, तो इनके बीच में जब एक्सचेंज होगा ब्रोकन सेगमेंट्स, उसी को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। So, अगर कभी ऐसा हम कहेंगे क्रोमोसोम वन एंड क्रोमोसोम वन इनके बीच में होगा, दैट्स अ क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम लेंगे, उनके बीच में जब एक्सचेंज होंगे ब्रोकन पार्ट्स, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन जो है ये तीन तरह के है, पहला है सिंपल ट्रांसलोकेशन, दूसरा है शिफ्ट या इंटरस्टीशियल ट्रांसलोकेशन, थर्ड है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो पहले हम देखेंगे सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये वो है, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होता है। जैसे देखिए मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये देखिए इसमें जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, फिर दूसरा क्रोमोसोम है इसमें जीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ये दोनों क्रोमोसोम जो है ये नॉन होमोलॉग्स। सर कैसे नॉन होमोलॉग्स, इसमें जीन्स अलग है, इसमें जीन्स अलग है, तो इन दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होता है। यानी देखिए बेटा यहां पे आई और जे लॉस हुआ, यहां पे आई और जे लॉस हुआ और यहां पे अटैच हो गया, इज इट क्लियर, यहां पे अटैच हो गया। तो जब इसी तरह अगर हम लेंगे, यहां मैंने एक डायग्राम बनाना मैं भूल गया, जो 9 और 10 लॉस होगा वो यहां पे ऐड होगा, यहां पे थोड़ी गलती हुई है, ये यहां पे ऐड होंगे
और ये यहां पे ऐड होगा, तो ये दो के बीच में एक्सचेंज होगा, इसे हम कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। सो व्हाट इज अ सिंपल ट्रांसलोकेशन, जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ऐड होगा, वी कॉल इज अ सिंपल ट्रांसलोकेशन। सो सिंपल ट्रांसलोकेशन मींस जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड ब्रेक हो गए, दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ऐड होगा, सर दिस इज नोन एज सिंपल ट्रांसलोकेशन। दूसरा है शिफ्ट या इंटरस्टीशियल। देखिए सिंपल या शिफ्ट या इंटरस्टीशियल क्या है, मेरे पास ये दो क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिए, इस क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट के और एल, ध्यान से देखिए, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, दोनों है नॉन होमोलॉग्स। इस क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट के और एल लॉस हो गए और इस जगह पे ऐड हो गए। देखिए कहां कहां पे, यहां 9 था जी नंबर 9, उसके बाद जीन 10, 11, 12, लेकिन कहां पे ऐड होता है, 9 और 10 के बाद ये दो ऐड होते हैं के एंड एल, उसके बाद 11, 12, 13, यानी कि बीच में ऐड हो गया, बीच में ऐड हो गया। इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक नहीं हुआ, खाली इस क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक हो गया और यहां पे ऐड हो गया। मैं फिर यहां से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो सिंपल ट्रांसलोकेशन, शायद यहां मैंने कुछ बोलने में गलती की, जो सिंपल ट्रांसलोकेशन है, यहां टर्मिनल पार्ट है आई और जे, ये दो जीन्स है आई और जे टर्मिनल पार्ट, ये डिलीट हो गया या ब्रेक हो गया इस क्रोमोसोम से और यहां पे ऐड हो गया, यहां पे क्या हो गया ऐड, इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट ऐड नहीं होता है। देखिए 9 और 10, उसके बाद आई और जे, ये आई और ये जे है, यानी कि जो ये टर्मिनल पार्ट है आई और जे, ये इस क्रोमोसोम पे ऐड होते हैं, इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक नहीं होता, खाली इसका क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक होता है। जरा यहां देखिए, इस क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट के और एल ब्रेक होता है, लेकिन बीच में एक जगह पे ऐड होता है। अभी यहां कहां हुआ था ऐड, टर्मिनल पार्ट पे, लेकिन यहां कहां ऐड हो गया, बीच वाले पार्ट पे। दोनों को कंपेयर कीजिए, यहां टर्मिनल पार्ट आई और जे लॉस हो गया, यहां भी टर्मिनल पार्ट के और एल लॉस हो गया, ऐड हो गया दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, ऐड हो गया दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, लेकिन यहां टर्मिनल पार्ट पे ऐड होता है, यहां बीच में ऐड होता है। सो जब टर्मिनल पार्ट पे, यानी कि जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट, ध्यान से सुनिए, जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट ब्रेक होगा और दूसरे नॉन होमोलॉगस के टर्मिनल पार्ट पे ऐड होगा, सो जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट ब्रेक होगा और दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट पे ऐड होगा, उसे हम कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिमिलरली जब एक टर्मिनल पार्ट का एक टर्मिनल पार्ट एक क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट ब्रेक होगा, यानी कि क्रोमोसोम का जब टर्मिनल पार्ट ब्रेक होगा और दूसरे क्रोमोसोम यानी कि दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ऐड होगा, लेकिन टर्मिनल पार्ट पे नहीं, बीच में इंटरस्टीशियल में, जैसे हमने कहा था इंटरकैलरी या इंटरस्टीशियल, बीच में ऐड होगा, उसे हम कहते हैं शिफ्ट या इंटरस्टीशियल। नाउ सिंपल ट्रांसलोकेशन में टर्मिनल पार्ट पे ऐड होता है, शिफ्ट या इंटरस्टीशियल में बीच में ऐड होता है। लेकिन आप मुझे शायद क्वेश्चन पूछ सकते थे या आप पूछ सकते हो या शायद आपको कंफ्यूजन होगा यहां पे कि सर एक टर्मिनल पार्ट डिलीट होता है और दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड होता है, ये तो डुप्लीकेशन हुआ, ये तो अभी हमने पढ़ा। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, डुप्लीकेशन हमेशा होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, यानी कि जब एक क्रोमोसोम का टर्म एक पार्ट टूटेगा, यानी कि जब एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट ब्रेक होगा और वो दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड होगा, लेकिन वो दूसरा क्रोमोसोम उसका होमोलॉग होना चाहिए, तो यहां पे एडिशन हुआ होमोलॉग्स के बीच में, तब कह सकते हैं डुप्लीकेशन। लेकिन यहां पे जो एडिशन होती है वो नॉन होमोलॉग्स के बीच में होती है, इसलिए हम यहां इसको डुप्लीकेशन नहीं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जब एक टर्मिनल पार्ट यानी क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट ब्रेक होगा और दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड होगा, लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम है वो नॉन होमोलॉग्स है, वी कॉल्स अ सिंपल ट्रांसलोकेशन। सो सिंपल में कहां पे ऐड होता है, टर्मिनल पार्ट पे। और इसी तरह सिमिलरली जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट ब्रेक होगा, वो दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड होगा, लेकिन बीच में टर्मिनल पार्ट पे नहीं, बल्कि बीच में इंटरकैलरी पोजीशन पे या इंटरस्टीशियल पोजीशन पे, हम उसको कहते हैं शिफ्ट या इंटरस्टीशियल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहां भी जो एडिशन है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। थर्ड एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि यहां पे क्या है, कंडीशन है दोनों क्रोमोसोम के पार्ट्स ब्रेक होने चाहिए, यानी कि यहां पे एक्सचेंज होंगे सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जरा ध्यान से देखिए, यहां एक क्रोमोसोम है मेरे पास, ये इसके जीन्स है, जीन ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, तो यहां टर्मिनल पार्ट ब्रेक हुआ जिसमें तीन जीन्स लॉस हो गए, जी एच आई।
तो सिमिलरली ये इसका दूसरा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसमें भी जीन्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसके भी तीन जीन्स लॉस हो रहे हैं 9, 10 और 11। इसका भी एक हिस्सा टूट गया, इसका भी एक हिस्सा टूट गया, अब ये दो एक्सचेंज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जाएगा यहां पे और ये वाला पार्ट जाएगा यहां पे। तो इन दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ने, यानी कि दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ने दो पार्ट्स को एक्सचेंज किया। आप देखिए यहां पे जीन है ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद 9, 10, 11 होना क्या चाहिए था, जी एच एंड आई। तो यहां देखिए दूसरा क्रोमोसोम, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होना क्या चाहिए था, 9, 10, 11 होना क्या चाहिए था, 9, 10, 11, लेकिन है क्या, जी एच आई। तो इन दो क्रोमोसोम ने एक्सचेंज किए ब्रोकन पार्ट्स, लेकिन दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस है, इसलिए हम इनको कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि एक्सचेंज ऑफ ब्रोकन सेगमेंट्स बिटवीन द टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होगा, हम उसको कहते हैं रेसिप्रोकल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था क्रॉसिंग ओवर, वहां होती थी होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज। अगर आपने पढ़ा होगा क्रॉस, याद होगा जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होगा उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यहां पे जो एक्सचेंज होती है वो होती है नॉन होमोलॉगस। सपोज मेरे पास एक क्रोमोसोम नंबर 21, उसका एक हिस्सा टूट गया और वो क्रोमोसोम 14 पे ऐड हुआ। सिमिलरली क्रोमोसोम 14 का कोई पार्ट टूट गया और क्रोमोसोम 21 पे ऐड हुआ। 21 एंड 14 दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस है, लेकिन इस एक्सचेंज को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन, या कभी कभी हम इसे कहते हैं इलीगल क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रू क्रॉसिंग ओवर। ये ट्रू अच्छी क्रॉसिंग ओवर नहीं है, क्योंकि ट्रू क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। लेकिन यहां पे जो एक क्रॉसिंग ओवर होती है, इज अ टाइप ऑफ ए क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन होमोलॉगस, इसलिए उसको बोलते हैं इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इज दैट क्लियर? सो ट्रांसलोकेशन मींस जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होगा और वो किसी दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ऐड होगा, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यहां ट्रांसलोकेशन के तीन टाइप्स है। सिंपल ट्रांसलोकेशन, अगर एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट डिलीट होगा, ब्रेक होगा और वो ऐड होगा किस पे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट पे, उसे कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। जब एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट ब्रेक होगा लेकिन दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में कहीं पे ऐड होगा, उसे बोलते हैं शिफ्ट और इंटरस्टीशियल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन। लेकिन जब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे और इनके बीच में एक्सचेंज होंगे ब्रोकन सेगमेंट्स, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन और इलीगल क्रॉसिंग ओवर। अब हम देखेंगे डिजीज। तो जो ट्रांसलोकेशन है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है, मैं यहां पे शॉर्ट में एक ट्रिक लिखता हूं, बी सी डी, यानी कि तीन डिजीज का नाम लेंगे बी सी डी। क्या है ये बी? पहला बुर्किट लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ ए कैंसर, लिम्फोमा है, कैंसर है डब्ल्यूबीसी का, बुर्किट लिम्फोमा। तो इसमें क्या होता है, हम इसको आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 4, ध्यान से देखिए बेटा, अभी मैं वही तो बात कर रहा था, 8 और 4th क्रोमोसोम, यानी कि 8th क्रोमोसोम का ब्रोकन पार्ट ऐड होता है क्रोमोसोम 4 पे। तो आप देखिए 8 और 4 दोनों है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, लेकिन इनके बीच में होती है ट्रांसलोकेशन, उसको बोलते हैं बुर्किट लिम्फोमा। दूसरा है CML, प्लीज रिमेंबर CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, यह भी ब्लड कैंसर है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसमें क्या होता है, दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, 22nd एंड 9th क्रोमोसोम, यानी कि दो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम 9, दोनों है ऑटोसोम, तो इनके बीच में ये ट्रांसलोकेशन होती है, दोनों है नॉन होमोलॉगस, उसकी वजह से जो ब्लड कैंसर होता है उसे बोलते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या CML। बेटा यहां ये कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्रोमोसोम नंबर 22 है उसे बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, क्योंकि यूएसए अमेरिका में एक जगह है उसे बोलते हैं फिलाडेल्फिया, जहां पहली बार ये डिजीज देखी गई, तो इसलिए उस जगह के नाम पे इसको नाम रखा गया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है, इसको प्लीज एंड प्लीज नीट पर्सपेक्टिव के लिए याद रखिए। थर्ड जो है, हां हां, दैट इज फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। सर डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा,
ट्राइसोमी ऑफ 21 है, आगे चलकर पढ़ना है उसका सिम्टम, उसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, सिलेबस में है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखा गया है कि कुछ परसेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है, इसको बोलता है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। यहां पर क्या है, क्रोमोज नंबर 21 एंड क्रोमोज नंबर 14 दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम है, इनके बीच में एक्सचेंज होता है, इनके बीच में ट्रांसलोकेशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। सो फैमिलियल डाउन सिंड्रोम जो का जो 90% जो कॉज है वो है ट्राइसोमी ऑफ 21, लेकिन यहां पे क्या होता है ट्रांसलोकेशन, जो क्रोमोज नंबर 21 एंड क्रोमोज नंबर 14 उन दो के बीच में जो ट्रांसलोकेशन होती है उसकी वजह से जो डिजीज होती है, सिंड्रोम होता है, उसे बोलते हैं फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। इस तरीके से मेरे बच्चों हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन के चार टाइप्स, जिसमें मैंने पहले पढ़ाया डिलीशन एंड डिफिशिएंसी, जिसमें एक सेगमेंट लॉस होता है चाहे टर्मिनल पे चाहे इंटरकैलरी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है डुप्लीकेशन, जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस होगा और दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड होगा, दैट्स डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन हमेशा होती है होमोलॉग्स क्रोमोसोम के बीच में। थर्ड हमने पढ़ा इन्वर्जन, जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होगा और उसी जगह पे ऐड होगा इन रिवर्स ऑर्डर और 180 डिग्री एंगल पे, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। और फोर्थ जब हमने पढ़ा है ट्रांसलोकेशन, यानी कि जब एक क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होगा और दूसरे क्रोमोसोम पे ऐड होगा, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम क्या होने चाहिए, नॉन होमोलॉगस। इज दैट क्लियर। ये चार टाइप्स जो है हमने कंप्लीट किए किस चीज के, दैट वाज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल एब्रेजन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप था वो है जीनोमैटिक या हेटीरोप्लाइडी। जैसे हमने मैंने आपको पहले ही बोला कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो दो तरह के, अगर आपको याद होगा, आप देखिए हम इस वक्त पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें हमने पहला कंप्लीट किया क्रोमोसोमल एब्रेजन, आज हम इस वक्त हम दूसरा लेंगे, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। हमने पहला ये कंप्लीट किया, उसमें जो क्रोमोसोमल एब्रेशन चार टाइप्स, डिलीशन डिफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, उनके सब टाइप्स वो भी हमने कंप्लीट किए। अब हम लेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन, यानी कि जिसमें नंबर चेंज होगा। सो जो जीनोमैटिक या हेटीरोप्लाइडी जो है, ये कौन सा टाइप ऑफ म्यूटेशन है, ये वो म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। नंबर चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं जीनोमैटिक या हेटीरोप्लाइडी, यानी कि चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा जो है जीनोमैटिक या हेटीरोप्लाइडी है, ये दो तरह का है, एक है एन्यूप्लाइडी और दूसरा है यूप्लाइडी। तो इस वक्त हम पढ़ेंगे पहले एन्यूप्लाइडी, उसके बाद हम देखेंगे यूप्लाइडी क्या होता है। जो एन्यूप्लाइडी है, ये एक ऐसा जीनोमैटिक म्यूटेशन है, ये एक ऐसा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम का 1, 2, 3 क्रोमोसोम का नंबर जो चेंज होगा। यानी कि सपोज अगर हमारे पास डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है 2n, यह है डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इस जो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या तो इसमें एक, या तो इसमें दो, या फिर तीन क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं, या इसमें एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम या तीन क्रोमोसोम लॉस हो सकते हैं। सो इसमें सिंपली हम कह सकते हैं कि यह लॉस या एडिशन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म का डिप्लॉयड सेट लेगी, उस डिप्लॉयड सेट में 1, 2 या 3 या 4 क्रोमोसोम लॉस होंगे या ऐड होंगे, सो उसी को हम बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। क्योंकि ऊपर हमने पहले कहा हम पढ़ रहे हैं वो टाइप म्यूटेशन का जिसमें नंबर चेंज होगा, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें स्ट्रक्चर चेंज होता था, यहां पर हम देखेंगे चेंज इन द नंबर। तो उसका जो पहला टाइप है एन्यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी में क्या होता है, जब एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, लेकिन नंबर किसके, बाय 1, एक एक्स्ट्रा होगा या एक कम होगा, 2 ज्यादा होंगे 2 कम होंगे, 3 ज्यादा होंगे 3 कम होंगे, 4 ज्यादा होंगे या 4 कम होंगे। सो वही मैंने कहा लॉस और एडिशन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम टू द ओरिजिनल सेट ऑफ, यानी कि इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सेट हमारे पास डिप्लॉयड है, सपोज एक ऑर्गेनिज्म का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 2n, उस 2n में ऐड हो गया एक क्रोमोसोम 2n+1, 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए 2n+2, या एक क्रोमोसोम कम हो गया 2n-1, या 2 क्रोमोसोम कम हो गए 2n-2। तो वही हमने कहा चाहे 1, 2, 3 या 4 क्रोमोसोम ऐड होंगे या 1, 2, 3, 4 क्रोमोसोम कम होंगे, उसे हम कहते हैं एन्यूप्लाइडी। जो एन्यूप्लाइडी है इसके दो और टाइप्स है, एक है हाइपो
नाम वहीं से कहता है हाइपोप्लाइडी और दूसरा है हाइपरप्लाइडी। हाइपोप्लाइडी मींस जब क्रोमोसोम कम होंगी, हाइपोप्लाइडी मींस जब क्रोमोसोम कम होंगी, तो हाइपरप्लाइडी मींस जब क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगी। तो अगर हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बेटा ध्यान से देखिए यहां पे मैं थोड़ा लिखना पसंद करूंगा, अगर मेरे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें सपोज एक क्रोमोसोम ऐड हो गया या एक क्रोमोसोम कम हो गया 2n-1, तो अगर क्रोमोसोम -1 मींस जब एक क्रोमोसोम कम होगा उसे बोलते हैं हाइपोप्लाइडी, अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया उसे कहते हैं हाइपरप्लाइडी। सो हाइपरप्लाइडी मींस जब एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम या तीन क्रोमोसोम या चार क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे, हाइपोप्लाइडी मींस जब एक दो तीन या चार क्रोमोसोम कम होंगे। सो पहले हम लेंगे हाइपरप्लाइडी। बेटा ध्यान से देखिए, इसमें हम बेस्ट एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस का। ह्यूमंस में होता है डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, यानी कि 46 क्रोमोसोम। तो हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, हमारे सेल्स में सारे क्रोमोसोम डाइसोमिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो पेयर्स में होते हैं दो दो करके। तो अगर हम कहेंगे हमारे बॉडी में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, तो आप कहोगे बेटा सर वो 46 है। तो अगर 46 मैं बोलूंगा कितने पेयर्स है, आप बोलोगे 23 पेयर्स, क्योंकि जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम है वो रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स दो दो करके सेट में, तो इसको हम कहते हैं डाइसोमिक। डाइसोमिक मींस यानी कि दो दो क्रोमोसोम। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे सेल्स में, अगर हमारे बॉडी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया, जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए मैंने सिंपल एक शॉर्ट में बनाया, ये डाइसोमिक फॉर्म दो क्रोमोसोम, ये भी डाइसोमिक, ये भी डाइसोमिक, ये भी डाइसोमिक, ऐसे ही हमारे बॉडी में 23 डाइसोमिक होते हैं, 23 पेयर्स। लेकिन ये क्या हुआ, यहां पे दो के बदले एक और आ गया, तीन है। तो वही मैंने लिखा, जब हमारे बॉडी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, वो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं बॉडी में 2n, लेकिन उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो बन गया 2n+1। सो जो हमारे ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर है वो है डिप्लॉयड, उस डिप्लॉयड को एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, ये बन गया 2n+1। तो जब ये 2n+1 बन गया तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन कहां पे, यहां देखिए, ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव। आप देखिए, पहला क्रोमोसोम डाइसोमिक, थर्ड क्रोमोसोम डाइसोमिक, फोर्थ क्रोमोसोम डाइसोमिक, फिफ्थ क्रोमोसोम डाइसोमिक, लेकिन ये क्या हुआ है, क्रोमोसोम 2 जो है वहां पे तीन क्रोमोसोम है, तो जो ये एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है वो हो गया है ऐड एट द पोजीशन नंबर 2। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे तीन क्रोमोसोम है, यानी कि होने चाहते दो लेकिन है तीन, इसको बोलते हैं ट्राइसोमिक, मींस यहां पे तीन क्रोमोसोम है। तो जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा तो जिस जगह पे वो ऐड होगा वहां पे वो बनेंगे तीन, उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी। अगर 2 पे होगा ट्राइसोमी ऑफ 2, अगर 3 पे होगा ट्राइसोमी ऑफ 3, अगर 5 पे होगा ट्राइसोमी ऑफ 5, अगर 10 पे होगा ट्राइसोमी ऑफ 10, अगर 20 पे होगा ट्राइसोमी ऑफ 20, अगर 21 पे होगा ट्राइसोमी ऑफ 21, उसी के हिसाब से। तो यहां पे देखिए, ओवरऑल जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इंक्रीज हो गया। तो ह्यूमंस में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं 46, यहां एक ऐड हो गया तो बने कितने 47। तो ट्राइसोमी की वजह से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं ह्यूमंस में वो बनते हैं 47। जरा आप दूसरे एग्जांपल देखिए बेटा, ये देखिए, यह क्रोमोसोम 1 डाइसोमिक, 2, 3, 4 एंड 5, 4 एंड 5 को देखिए यह भी डाइसोमिक, लेकिन यह जो देखिए क्रोमोसोम 2 पे तीन क्रोमोसोम है यानी कि एक एक्स्ट्रा है, क्रोमोसोम 4 पे भी तीन है यानी कि दो जगह पे ट्राइसोमी है। यहां पे दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुए हैं लेकिन दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग पोजीशन पे, यानी कि एक हुआ है क्रोमोसोम 2 पे, वहां होना चाहिए था डाइसोमिक लेकिन आ गए तीन तो ट्राइसोमिक। इसी तरह जो क्रोमोसोम 4 है होने चाहिए थे डाइसोमिक लेकिन वहां पे भी तीन तो ट्राइसोमिक। इट मींस जो पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3 है क्रोमोसोम्स की, वहां पे अलग अलग जगह पे ट्राइसोमी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डबल ट्राइसोमी, मींस दो जगह पे ट्राइसोमी। फिगर से दूर से ही पता चलता है यहां भी ट्राइसोमी, यहां भी ट्राइसोमी, इसे हम लिखेंगे इसको अलग अलग 2n+1+1, क्योंकि एक यहां पे ट्राइसोमी है, दूसरा यहां पे ट्राइसोमी है, तो इसे हम कहते हैं डबल ट्राइसोमी। दोनों केस में दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए तो टोटल क्रोमोसोम बनेंगे 48, यानी कि 46+2 बनेंगे 48, लेकिन जो ट्राइसोमी की पोजीशन है वो अलग अलग जगह पे है, एक अलग जगह पे, दूसरी अलग जगह पे। सपोज ये पोजीशन नंबर 2, ट्राइसोमी है 2, ट्राइसोमी है 3, इसे हम बोलते हैं डबल ट्राइसोमी। नेक्स्ट, जब एक ही जगह पे
चार क्रोमोसोम होंगे, उसे हम बोलते हैं टेट्रासोमी। देखो क्या होता है टेट्रासोमी, मैंने पहले ही कहा क्रोमोसोम डाइसोमिक फॉर्म में है, यह है डाइसोमिक, यह है डाइसोमिक, यह है डाइसोमिक, यह है डाइसोमिक। लेकिन यहां पे कितने क्रोमोसोम, इससे पहले हमने कितने देखे थे, तीन, ऊपर देखो तीन, लेकिन यहां पे कितने आ गए, एक दो तीन और चार। तो यहां पे चार क्रोमोसोम है, होने कितने चाहे थे, होने चाहे थे दो, लेकिन है कितने, चार। सो एक ही जगह पे, एक ही पुशन पे चार क्रोमोसोम होना, इसे हम बोलते हैं टेट्रासोमी, यानी कि चार एक जगह पे चार क्रोमोसोम एक साथ, उसी को हम बोलते हैं टेट्रासोमी। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2n+2, यहां भी दो क्रोमोसोम ऐड हो गए, यहां भी दो क्रोमोसोम ऐड हो गए, लेकिन इन दो में डिफरेंस क्या है, यहां पे दो अलग अलग जगह पे ऐड हो गए, जिसकी वजह से ट्राइसोमी कंडीशन बन गई दो जगह पे, लेकिन यहां पे एक ही जगह पे वो दो ऐड हो गए तो कंडीशन बन गई टेट्रासोमी। इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 48 होगा, इसकी वजह से भी 48, लेकिन ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, इसको बोलते हैं डबल ट्राइसोमी, इसको बोलते हैं टेट्रासोमी। नेक्स्ट इज डबल टेट्रासोमी, जब दो जगह पे चार चार क्रोमोसोम होंगे, डाइसोमिक डाइसोमिक, यहां देखिए चार क्रोमोसोम टेट्रासोमिक, चार क्रोमोसोम टेट्रासोमिक, डाइसोमिक डाइसोमिक, जब दो जगह पे टेट्रासोमी होंगे उसे हम कहेंगे डबल टेट्रासोमी, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n+2+2। इसकी वजह से जो ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर होगा वो बनेगा 50, यानी कि 46+2 48, ये देखिए 46+2 48 प्लस 250, यानी कि डबल टेट्रासोमी में 50 क्रोमोसोम टोटल बनते हैं, लेकिन टेट्रासोमी दो जगह पे होती है, यानी कि चार चार क्रोमोसोम दो जगह पे होती है, टेट्रासोमी 2n+2, यहां पे एक ही जगह पे चार क्रोमोसोम होते हैं, इसे बोलते हैं टेट्रासोमी, ओवरऑल क्रोमोसोम 48। यहां देखिए डबल ट्राइसोमी, अलग अलग जगह पे एक एक क्रोमोसोम ऐड होता है, जिसकी वजह से दो जगह पे ट्राइसोमी बनते हैं, एक और दो, इसको बोलते हैं डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी का ओरिजिनल क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन इनका नाम अलग है, क्योंकि एक एक, क्योंकि डबल ट्राइसोमी अलग अलग जगह पे होती है ट्राइसोमी, और टेट्रासोमी एक ही जगह पे चार क्रोमोसोम होते हैं, और ट्राइसोमी में सिर्फ एक ही जगह पे तीन क्रोमोसोम होते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से, डबल ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1+1, टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2, और डबल टेट्रासोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2+2। मेरे बच्चों, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक है और जो आपका नीट का सिलेबस है, वहां पे हमारे पास जो एग्जांपल्स जो हमें दिए गए हैं वह है सिर्फ ट्राइसोमी का। जरा आप देखेंगे हाइपोप्लाइडी, हाइपोप्लाइडी में मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक क्रोमोसोम कम होता है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1, क्योंकि जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर वो है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड में एक क्रोमोसोम कम होगा, दो क्रोमोसोम कम होंगे, उसी को बोलते हैं हाइपोप्लाइडी। जरा बेटा ध्यान से देखिए, अगर एक क्रोमोसोम कम होगा, ये देखिए बेटा, ये यहां पे डाइसोमिक कंडीशन, ये भी डाइसोमिक, ये भी डाइसोमिक, लेकिन यहां पे क्या है, एक ही क्रोमोसोम, मींस इसका एक साथी खो गया है, मींस इसका एक क्रोमोसोम कम है, तो हम कह सकते हैं मोनोसोमिक, क्योंकि एक्चुअली कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, डाइसोमिक, लेकिन यहां पे एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि एक क्रोमोसोम इसका साथी कहीं खो गया है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसोमिक, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n-1 से, यानी कि ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर में एक क्रोमोसोम कम हुआ है। जरा दूसरा देखिए, डबल मोनोसोमी, 2n-1-1, ये देखिए डबल, ये देखिए डाइसोमिक डाइसोमिक, लेकिन यहां पे एक ही क्रोमोसोम, यहां पे भी एक ही क्रोमोसोम, इसका भी एक क्रोमोसोम खो गया है, इसका भी एक क्रोमोसोम खो गया, इसका भी एक साथी खो गया, इसका भी एक साथी खो गया, तो दो जगह पे क्रोमोसोम लॉस हुए हैं, और दोनों जगह पे एक एक ही क्रोमोसोम है, इसे हम उसको बोलते हैं 2n-1-1 मीनस कि दो जगह पे लॉस हुए हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी। दूसरा है नल सोमी, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे यह जीरो है, यहां पे यहां डाइसोमिक, यहां डाइसोमिक, यहां डाइसोमिक, लेकिन इस जगह पे दो क्रोमोसोम लॉस हो गए, जब दोनों क्रोमोसोम लॉस हो गए तो बचा कुछ भी नहीं है, बचा है जीरो, एम्प्टी, नल, नल मींस नथिंग, तो हम इसको बोलते हैं नलिसोमी। नलिसोमी मींस जब टोटल किसी पोजीशन पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, जब दोनों डाइसोमिक क्रोमोसोम खो चुके हैं, लॉस हुए हैं, इसे हम उसको बोलते हैं नलिसोमी 2n-2। यह है डबल नलिसोमी, यानी कि जब दो जगह पे
क्रोमोजोम लॉस हुए, यहां भी दोनों क्रोमोजोम लॉस हुए, यहां भी दोनों क्रोमोजोम लॉस हुए, यहां भी जीरो रहा, यहां भी जीरो है, यहां भी एम्पिटी, यहां भी एम्पिटी। इस हम इसको बोलते हैं डबल नलिसोमी, यानी कि 2n-2-2। बेटा यहां देखिए, अगर 2n-1 की बात करेंगे, ओवरऑल क्रोमोजोम नंबर जो है वो रहेगा 45, यानी कि 46-1=45। यहां अगर दो क्रोमोजोम लॉस हो रहे, 46-2 means 44, यहां भी रहेगा 44 और यहां रहेंगे 42, यानी कि इसके चार क्रोमोजोम लॉस होते हैं। तो आप जरा देखिए, यहां पे एक क्रोमोजोम लॉस हुआ मोनोसोमी, यहां पे एक क्रोमोजोम गेन हुआ ट्राइसोमी, यहां पे दो जगह पे क्रोमोजोम लॉस हो रहे हैं डबल मोनोसोमी, यहां पे दो जगह पे क्रोमोजोम ऐड होता है डबल ट्राइसोमी, यहां पे एक ही जगह पे दोनों क्रोमोजोम लॉस होते हैं नलिसोमी, यहां पे एक ही जगह पे दो क्रोमोजोम ऐड होते हैं टेट्रासोमी, यहां पे दो जगह पे दो दो क्रोमोजोम लॉस होते हैं डबल नलिसोमी, यहां पे दो जगह पे दो दो क्रोमोजोम ऐड होते हैं डबल टेट्रासोमी। सो ये हमने दिया टाइप्स ऑफ एन्यूप्लाइडी, जिसमें हमने पढ़ा हाइपोप्लाइडी एंड हाइपरप्लाइडी। अब हम बेटा ध्यान देखेंगे डिजीज, यानी कि एन्यूप्लाइड से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो बेटा यह डिजीज याद रखिए, क्योंकि नीट पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक ने बहुत सारे डिसऑर्डर्स दिए हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम है, जिसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, वो हमें पढ़ना है, और नीट में उसके बगैर भी कुछ और क्वेश्चन आते हैं, तो जरा हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे एन्यूप्लाइड की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो हमने लिया पहला ट्राइसोमी, यानी कि 2n+1 जब क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका जो हम पहला लेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? वो है ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी कि 21st पोजीशन जो ह्यूमंस में होती है, वहां पे होते हैं दो क्रोमोसोम, यानी कि 21st पे दो क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन वहां पे आ गए कितने? तीन। जरा मैं यहां पे लिखना पसंद करूंगा, सपोज यहां पे दो क्रोमोसोम्स है, तो दो क्रोमोसोम मींस डाइसोमी, 21st की बात कर रहा हूं, लेकिन आगे कितने? तीन। तो जब ये तीन क्रोमोसोम्स आ गए, इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21, दिस इज डाउन सिंड्रोम। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? यह है ट्राइसोमी, लेकिन किस पोजीशन पे? 18th पोजीशन पे। तो जब 21st पे होगी वो है डाउन सिंड्रोम, 18th पे होगी वो है एडवर्ड सिंड्रोम। पेटाई सिंड्रोम, यानी कि जब 13th पे, यानी कि जब पोजीशन नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 13 पे जब तीन क्रोमोसोम होंगे, उसे बोलते हैं पेटाई सिंड्रोम। ये तीनों डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पेटाई सिंड्रोम, यह है ट्राइसोमी, लेकिन किस चीज के? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के। जो हमारे ऑटोसोम्स है, ये उन्हीं की ट्राइसोमी है, चाहे वो 21st की पोजीशन हो, चाहे वो 13 की पोजीशन हो, चाहे वो 18 की पोजीशन हो। उसके बाद देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये क्या है कि यहां पे होना चाहिए, मेल्स में अक्सर होता है 44+XXY, ये मेल्स में ही होता है, यहां होना चाहिए था एक्स और वाई, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, तो दैट मींस ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में दो क्रोमोसोम एक्स और वाई के बगैर एक और क्रोमोसोम आता है एक्स, तो ये है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जरा ध्यान देखिए जैकब सिंड्रोम, जिसे हम सुपर मेल भी कहते हैं, यहां पे क्या हुआ है? ये नॉर्मल ऑटोसोम्स, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई, वहां एक्स्ट्रा वाई आ गया है, एक्स वाई वाई, इसे बोलते हैं जैकब सिंड्रोम, या इसे बोलते हैं सुपर मेल। फिर है सुपर फीमेल, जहां नॉर्मल ऑटोसोम्स के बाद तीन सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स एक्स, तीन एक्स क्रोमोसोम्स है, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी, यह है सुपर फीमेल। सो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो, जैकब सिंड्रोम हो, सुपर फीमेल्स हो, ये है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये किसकी वजह है? ये ट्राइसोमी है, लेकिन किन में? सेक्स क्रोमोसोम्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स मोनोसोमी 2n-1। तो जब एक क्रोमोसोम लॉस होगा, तो इसमें हमें एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी बोर्ड ऑफ पॉइंट से पढ़ना है, दैट्स टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है कि वहां पे देखिए ये नॉर्मल ऑटोसोम्स, और यहां पे एक क्रोमोसोम लॉस होता है। आप देखिए दो सेक्स क्रोमोसोम में एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, इसे आप इसको बोलते हैं मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि इसका एक सेक्स क्रोमोसोम लॉस हो गया। तो ये 8 डिजीज जो हमने पढ़े हैं, ये होता है किसकी वजह से? एन्यूप्लाइडी की वजह से। इन 8 को प्लीज याद रखिए, क्योंकि ये 8 के 8 डिजीज
साइंटिस्ट के नाम पे है और ये अक्सर नीट में पूछे जाते हैं और ये बोर्ड अपॉइंटमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय दिस वी हैव कंप्लीट, आज का टाइम जो है वो इतना ही है, क्योंकि सबसे मोस्ट डिफिकल्टी होती है कि 2G स्पीड पे ये इस वीडियो को अपलोड करना यूट्यूब पे बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इससे इसलिए आज का जो एक घंटे का जो हमारा वीडियो बन गया है ये ऑलमोस्ट 9 GB का बन जाएगा। सो इसमें थोड़ा कंप्रेशन करना पड़ेगा तब जाके अपलोड होगा। सो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है UPI ID वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मेरे बच्चों, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आज जो हमने पहले स्टार्ट किया वो था म्यूटेशन, और म्यूटेशन में हमने डेफिनेशन दी म्यूटेशन की और हमने क्लासिफिकेशन लिया। म्यूटेशन के दो टाइप्स है, एक है क्रोमोजोमल और दूसरा है जीन म्यूटेशन। हमने क्रोमोजोमल म्यूटेशन पढ़ा और इस क्रोमोजोम म्यूटेशन के दो टाइप्स है, एक है क्रोमोजोमल एब्रेशन जिसके चार टाइप्स है, डिलीशन एंड डिफिशेंसी, डिप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, वो सब हमने पढ़ा, उनके डिजीज भी। उसके बाद हमने पढ़ा जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमने दो टाइप्स है, एक है एन्यूप्लाइड और दूसरा है यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी के दो टाइप्स है, एक है हाइपरप्लाइड और दूसरा है हाइपोप्लाइडी, वो हमने पढ़ा। अब जो इस जीनोमैटिक म्यूटेशन में एक टाइप है यूप्लाइडी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसी के साथ जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन भी डिस्कस होगा। मेहरबानी करके प्लीज एंड प्लीज घर में बैठिए, घर से बाहर मत जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहां पे आपको कुछ डाउट हो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे बोलिए। जहां पे कुछ एरर्स होंगे, जहां पे कुछ गलतियां होंगी या कोई ऐसा चीज जो मैं समझा नहीं पाया, प्लीज एंड प्लीज मुझे कॉल करके बोलिए। जो भी एरर्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कंफ्यूजन होंगे, मैं मुझे खुशी होगी अगर आप वो मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि मैं उनको आपके लिए आसान बना दूं। मैंने बहुत कोशिश की घर में बैठे इस चीज़ को, इस क्लास को या इस क्वेश्चन को समझाने की, कहीं कहीं पर डिफिकल्टी हो गई, बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बियर इट। सो हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, मेहरबानी करके घर में अच्छे से पढ़िए, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।